ये तो जनता बता सकती है मुझसे ज़्यादा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इस राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य से कराया गया था 19 वर्षों के बाद वो उद्देश्य उस उद्देश्य की पूर्ति अब काफ़ी तेज़ी से हो रही है। हर क्षेत्र में जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े गरीब हैं, जो हमारे अकलियत के जो गरीब हैं, उन सभी लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और आज मुख्यमंत्री ऊर्जा सम्मान योजना जो हम लोगों ने लागू किया है, जिसके तहत सारा बिजली का बिल जितना भी बकाया वो सारा माफ़ करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। और 200 यूनिट तक बिजली कोई भी घरेलू उपभोक्ता अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक रुपये भी बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सारा बकाया सरकार उनका बिजली विभाग को जमा करेगी और सारा जो बिजली का बिल आएगा वो सरकार बिजली विभाग को अब पेमेंट करेगी। तो ये बहुत बड़ी राहत है। और ऐसी अनेकों योजनाएं लागू की जा रही हैं, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे हमारा अबुआ आवास हो, सावित्री बाई फूले योजना हो, सर्जन पेंशन हो, 50 साल का पेंशन हो, हमारे कृषि लोन की माफ़ी हो, तो हमारे हर तरह की योजनाएं अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की जा रही है। और ये बहुत बड़ा मील का पत्थर एक साबित होगा, लोगों को बहुत सहूलियत होगी। लगातार केस मुकदमे होते थे, फाइन होते थे गरीब जनता को, और मैंने अभी कहा कि मैं मंत्री रहते हुए मैंने विभाग को 1.5 लाख रुपए के लगभग मैंने ग्रामीणों का बकाया जो हम केस होकर जो फाइन हुआ था वो मैंने भुगतान करने का काम किया है। ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जो 1 रुपये भी बिजली का बिल नहीं दे पाते थे, आज वो गदगद हैं, सब लोगों में खुशी है। और ऐसी योजनाएं निरंतर जो संवेदनशील सरकार है हमारी और जनता के प्रति समर्पित सरकार है, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है, अनेकों योजनाएं ऐसी लागू हुई हैं और निरंतर आगे भी हम करते रहे। किराएदारों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, मकान मालिक मनमाना वसूली कर रहे हैं। किराएदारों के लिए मकान मालिक को लगाना चाहिए मीटर, और किराएदार उस श्रेणी में अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। कितना राशि माफी हुआ है? राशि सिर्फ गढ़वा जिले में 90 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 91 करोड़, 90 करोड़ 86 लाख समथिंग, और पूरे राज्य में 3500 करोड़ से ज़्यादा राशि माफ़ी की गई है। और वो भुगतान पूरा का पूरा राज्य सरकार बिजली विभाग को करेगी।